Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.3 or question number 11. Question number 11 may have proved that cos alpha plus beta equal to hoga cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. ठीक है, हमने इस फार्मूला को, ये आप फर्स्ट ईयर में फार्मूला यूज कर चुके हैं, cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो चलें अब इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, मैं पहले एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ. ये एक एक्स वाई प्लेन है. अब यहाँ पर दो वैक्टर्स मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक वेक्टर है और ये पॉइंट ए है. सही है, ये पॉइंट ओ है. सही है, ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है. अब इससे जो वेक्टर बन रहा है, ओ और ए को जॉइन करने से एक वेक्टर बन रहा है, उसको मैं वेक्टर ए का नाम दे देता हूँ. ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल ए वेक्टर बन गया. और इसी तरह से अब यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम अल्फा कह देते हैं. ठीक है, ये एक अल्फा. ठीक है, इसका ये स्मॉल ए है. सही, वेक्टर का नाम. और ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो, उसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया. इसी तरह से अब एक और हम वेक्टर ले लेते हैं. ये एक वेक्टर आ गया. ठीक है, तो इसको ये बी पॉइंट इसे कह देते हैं, इस पॉइंट को, और इस वेक्टर को स्मॉल बी का नाम दे देते हैं. तो ये वेक्टर जो इन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो ये एंगल बन जाएगा. ठीक है, इसको बीटा का नाम दे देंगे. क्योंकि और बीटा नहीं होगा बल्कि ये नेगेटिव बीटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल देखें तो ये बीटा बनता है. सही है, तो अगर ये तो हम जा रहे हैं तो नेगेटिव साइड पे. सही है, तो ये एंगल क्या बनता है, माइनस बीटा. अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से एंगल बनाएं इस वेक्टर के साथ, तो फिर जाके ये पॉजिटिव बीटा कहलाएगा. अगर इसका हम नेगेटिव साइड से लें एंगल तो इसको माइनस बीटा कहेंगे. सही है, तो ये एक वेक्टर हो गया बी और एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर. ठीक है, दोनों के एंगल्स मैंने एक्स एक्सिस के साथ लिख दिए. अब हम देखते हैं कि ए वेक्टर किसके बराबर है. ए वेक्टर बराबर है इज इक्वल टू ओ ए के. सही है, ओ ए वैक्टर, ये ओरिजिन है ओ, और ओ से लेकर ए तक का वैक्टर जो है ओ ए है. ठीक है, जो कि ए वैक्टर जिसको हमने नाम दिया, तो वो किसके इक्वल है. देखें, इसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट क्या बन रहे हैं, पहले वो देखते हैं. अगर यहाँ से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये बनता है. सही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये x कॉम्पोनेंट बनता है. सही है, इस वेक्टर का, वेक्टर ए का. तो ये x कॉम्पोनेंट क्या बनता है, x कॉम्पोनेंट cos अल्फा. पहले से भी हम देख चुके हैं कि x कॉम्पोनेंट क्या होता है. तो हम यहाँ से कहेंगे कि cos ऑफ अल्फा. ठीक है, cos ऑफ अल्फा i हैट, इसको कह देंगे cos ऑफ अल्फा i हैट, बल्कि ये इसको हम कहेंगे ए कॉज ऑफ अल्फा आई हैट. ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड भी साथ होगा तो एक्स कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग होगा, ए का मैग्नीट्यूड साथ में आई हैट आ जाएगा. ठीक है, कॉज अल्फा आई हैट. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस ए को मैं ख़त्म करने के लिए अगर मैं कह दूँ कि ये ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है. सही है, तो लेट ए बी द यूनिट वेक्टर, ए हैट इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर. ठीक है, इसको हम ए हैट कह देते हैं. तो ये ए हैट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन हो जाएगा. सही है, तो ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉज अल्फा आई हैट. और इसमें प्लस हम करेंगे क्या, इसका वाई कॉम्पोनेंट. वाई कॉम्पोनेंट क्या बन रहा है, ये वाई कॉम्पोनेंट है. ठीक है, अगर हम इसमें साइन का फार्मूला अप्लाई करें तो क्या बनता है, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय ए हैट, और ये वाई कंपोनेंट इसका बन गया ए का वाई कंपोनेंट, सही है। तो अब यहाँ पर देखें ये बन जाएगा ए वाई हैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए हैट साइन अल्फा, ठीक है, ए हैट का ये मैग्नीट्यूड होगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए वाई हैट, मतलब कि वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बन गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स कंपोनेंट भी इसी तरह से हम कॉस अप्लाई करें, ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस यहाँ पर क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर का, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर खुद है, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ से वाई कंपोनेंट मैंने निकाला तो ये बना ए एट मैग्नीट्यूड और साथ में साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा ये एंगल इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है, ठीक है। तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए हैट का मैग्नीट्यूड वन, सही है, तो जो कि कॉज अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉज अल्फा ही बन जाएगा, कॉज अल्फा आई हैट प्लस ये भी इसका मैग्नीट्यूड भी वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा जे हैट। अब ये आ गया हमारे पास ए हैट वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, सही है। इसी तरह से अब बी वेक्टर को हम देखते हैं, बी वेक्टर ये है, सही है, तो इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये बनेगा इसका एक्स कॉम्पोनेंट, सही है, और ये बनेगा इसका वाई कॉम्पोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या है, किसके बराबर होगा, इस एंगल के हिसाब से देखें तो कॉज ऑफ दिस एंगल लेते हैं तो क्या बनेगा, कॉज ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये है जो कि x कंपोनेंट है, ठीक है, b ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, उस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब के b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। तो x कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, bx बराबर आ जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाई हम कर देंगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ऑफ माइनस बीटा, सही। तो ये x कंपोनेंट बन गया b वेक्टर का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में cos ऑफ माइनस बीटा, सही है, प्लस। अब y कंपोनेंट को हम देखते हैं, y कंपोनेंट के लिए ये y कंपोनेंट है इसका, ठीक है, b वेक्टर का, तो इसको बी वाई कह देता हूँ। तो ये बी वाई किस तरह से आएगा, अगर हम साइन इस पे अप्लाई करें इस एंगल पे, तो साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये वाई कंपोनेंट है बी वाई, सही है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से हम बी वाई फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ माइनस बीटा, सही है। तो ये बन जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ माइनस बीटा। अच्छा, अब यहाँ से ए वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया, बी वेक्टर, अब यहाँ से फाइंड करते हैं, देखें बी वेक्टर, अब ये बी वेक्टर का हैट, बी हैट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये एक यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन ही होगा, ठीक है, तो यहाँ से कॉज ऑफ माइनस बीटा इज कॉज ऑफ माइनस बीटा, कॉज बीटा ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस ऑफ थीटा कॉज थीटा के बराबर ही होता है, तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ बीटा, और साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस वन होता है, ठीक है, माइनस साइन बीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन बीटा, और साथ में इनकी जो है आई हैट और जे हैट भी आ जाएंगे, ये आई हैट आ गया, इसके साथ जे हैट आ गया, क्योंकि ये एक्स कॉम्पोनेंट है और ये वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो ये बन गया बी वैक्टर, और ये बन गया ए वैक्टर, और ये बन गया बी वैक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा,
ए डॉट बी इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कॉज ऑफ अल्फा आई हैट प्लस साइन ऑफ अल्फा जे हैट, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, तो ये बी वेक्टर ये है, कॉज ऑफ बीटा आई हैट माइनस साइन ऑफ बीटा जे हैट, सही है। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया, इसको अब सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट तो फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगा, कॉज अल्फा इसके साथ आई कंपोनेंट के साथ और जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनता है कॉज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ बीटा, और साथ में आई डॉट आई वन हो जाएगा, ठीक है, और माइनस आ गया साइन ऑफ अल्फा, वाई कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन बीटा, तो वो बन गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बन गया ए डॉट बी। अच्छा, यहां से अब देखें ए डॉट बी किस तरह से फार्मूला इस पे अगर अप्लाई करें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला इस पे अप्लाई करें तो क्या बनता है, ए डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए और बी वेक्टर के दरमियान में का एंगल, ए और बी वेक्टर का एंगल कौन सा बनता है, ये टोटल एंगल बनता है, ये टोटल एंगल, सही है, तो ये एंगल किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा के सम के, ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, पहले से जो हमें पता है कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पहले से वही है, ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अच्छा, अब यहां पे देखें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए हैट है यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 1 और 1 1 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 ही आंसर देगा, तो यहां से बनता है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही हमने प्रूव करना था यहाँ पर, मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।